नमस्कार दोस्तों, 3rd दिसंबर 1971 पाकिस्तान ऑपरेशन चेंगिस खान लॉन्च करता है। इंडिया की कई एयरफील्ड्स पर बम गिराए जाते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा। अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला, आगरा, श्रीनगर, टोटल में 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया जाता है। उस शाम को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर एक मैसेज जारी करती हैं देश की जनता के लिए। ये कहती हैं कि इंडिया के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। इंडियन एयरफोर्स रिटेलिएट करती है और कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है दोस्तों इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर की। एक ऐसी वॉर जिसके अंत में एक नए देश का जन्म होता है, बांग्लादेश। लेकिन क्या कारण था आखिर, क्यों हुई ये वॉर, क्यों बांग्लादेश आजादी चाहता था पाकिस्तान से, और इंडिया का क्या रोल आता है इस पूरी कहानी में, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इंडिया गेव पीपल ऑफ बांग्लादेश देयर इंडिपेंडेंस। एबारे संग्राम अमर मुक्ति संग्राम, एबारे संग्राम स्वाधीनता संग्राम। पाकिस्तान लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स कंट्री, अ न्यू नेशन वाज बोर्न, बांग्लादेश। कहानी की शुरुआत करते हैं ब्रिटिश के पहले से, कोलोनियल टाइम्स से पहले, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यानी आज के दिन का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा और श्रीलंका। इस पूरे एरिया में हजारों छोटे बड़े ऑटोनोमस किंगडम्स हुआ करते थे। राजा महाराजाओं का रूल था, जिनकी अपनी लैंग्वेजेस होती थी, ट्रेडिशन होता था, अपना कल्चर होता था। जो बंगाल का एरिया होता था, स्पेसिफिकली अगर सिर्फ बंगाल वाले एरिया की बात करें, यानी आज के दिन का बांग्लादेश प्लस वेस्ट बंगाल और इसके आसपास का कुछ एरिया, इस एरिया को करीब 13 सेंचुरी से मोस्टली मुस्लिम राजाओं के द्वारा रूल किया गया था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, उन्होंने मुस्लिम रूल को शुरू किया था इस एरिया में अर्ली 13 सेंचुरी से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये जानने वाली है कि जो भी रूलर्स थे यहाँ पर, उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था अपने रिलीजन को प्रीच करने में। उनका फोकस इसमें बने रहता था कि कैसे वो लोकल कम्युनिटीज को सिस्टम का हिस्सा बना सके। तो इन मुस्लिम राजाओं के टाइम में भी जो बड़े हाई ऑफिस होल्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, वो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड्स और ट्रेडिशन से आते थे। बेसिकली कहा जाए हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में जो को एग्जिस्टेंस थी और इंटरमिंगलिंग थी, वो इस एरिया में बहुत देखी गई। इसकी वजह से जो कट्टरवाद था, एक्सट्रीमिज्म था, वो काफी हद तक कंट्रोल में रहा। समय में आगे चले तो साल 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस एरिया को टेक ओवर कर लेती है, जिसको मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया है, जिसके बाद 1947 तक ब्रिटिश रूल रहता है और फिर हमें देखने को मिलता है पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच। As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, carrying their few possessions, 1 million people become refugees overnight. साल 1940 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में लाहौर रेजोल्यूशन बनाया जाता है, जिसमें डिमांड उठाई जाती है कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए। इनका डर यह था कि अगर एक ही देश बना रहेगा तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी बन जाएंगे और वो डर में जिएंगे। पार्टीशन करते वक्त रिलीजियस लाइंस पर बॉर्डर्स बनाने का मतलब ये था कि जो सोशल, कमर्शियल और कल्चरल संबंध थे लोगों के बीच में, उन्हें नजरअंदाज करना पड़ता। यानी बड़ी बड़ी स्टेट्स जहां पर कॉमन कल्चर्स थे, भाषाएं एक बोली जाती थी, उन्हें भी बांटा गया पार्टीशन की वजह से, बस इसलिए क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को डिवाइड करना है। इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं पंजाब और बंगाल। पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया, कुछ हिस्सा इंडिया में रहा, और सेम विद बंगाल, कुछ हिस्सा इंडिया में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में। लेकिन बांटने का मतलब ये नहीं था कि इनके कल्चर अलग अलग हो जाएंगे। जो दो हिस्सों को बांटा गया, वहां के लोग सेम भाषा में बात करते थे, सेम कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। बंगाल में जो मुस्लिम्स पाकिस्तान के फेवर में थे, उनकी उम्मीद ये थी कि एक नया मुस्लिम देश बनने से उन्हें एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, उनकी फाइनेंशियल और सोशल कंडीशन इंप्रूव होगी। इनमें से कई ऐसे लोग थे जो इन्फीरियर फील करते थे हिंदू लैंडलॉर्ड्स के लिए, क्योंकि वो उनके लिए काम किया करते थे। वो पाकिस्तान की सरकार की तरफ देख रहे थे अपने फंडामेंटल राइट्स पाने के लिए। ऑब्वियसली जब बंटवारा किया गया, पार्टीशन हुआ, तो बहुत से परिवार, बहुत से लोग डिस्प्लेस हो गए। एक भारी माइग्रेशन देखने को मिली, जिसमें कई मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हुए और कई हिंदूस पाकिस्तान से इंडिया आए। इसी बीच बहुत से दंगे हुए, मॉब वायलेंस हुआ, कुछ 2 से 20 लाख डेथ्स का एस्टिमेट किया जाता है। Terminal hatred flares up in the Punjab.
Pakistan and India each say they are determined to stop the wholesale rioting. But meanwhile, the exodus continues. इस माइग्रेशन में एक ग्रुप ऑफ लोग थे जो बिहार में रह रहे मुस्लिम्स थे। अब बिहार ऑब्वियसली क्योंकि बांग्लादेश के ज्यादा करीब है, तो बहुत से मुस्लिम्स जो बिहार में रह रहे थे वो ईस्ट पाकिस्तान में माइग्रेट किए। इन मुस्लिम बिहारी को स्पेसिफिकली मेंशन करना जरूरी है क्योंकि आप आगे कहानी में देखेंगे कि कैसे इन्हें माना जाता था कि बांग्लादेश के खिलाफ है, इन्हें एंटी बांग्लादेशी माना जाता था। अभी के लिए पार्टीशन पर वापस आए तो बंगाल का जो पार्टीशन हो रहा था वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इशू था। शुरुआत में पूरे बंगाल ने पार्टीशन के खिलाफ वोट किया था, अगर इस पार्टीशन का मतलब हो कि बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़े। लेकिन इस बंगाल में ही वेस्ट बंगाल का जो रीजन था वहां रहने वाले लोग पार्टीशन चाहते थे और इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। दूसरी तरफ जो ईस्ट बंगाल वाला रीजन था वो पार्टीशन नहीं चाहते थे, लेकिन अगर कोई पार्टीशन हो तो वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें। तो इवेंचुअली जब पार्टीशन हुआ, वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बना और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना। पाकिस्तान के देश को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया जिनके बीच सेपरेशन 1500 किलोमीटर का था और बीच में इंडियन टेरिटरी थी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान का जो नया देश बना उसमें जो मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप था वो एक्चुअली में बंगालीज का था। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इस नए पाकिस्तान के देश की बंगालीज थी जो ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे थे। बाकी वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबीज, पख्तूनस, सिंधीज और बलोच थे। अब इवन दो बंगालीज की पॉपुलेशन ज्यादा थी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन जो पावरफुल पोजीशंस थी जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और पॉलिटिक्स की जो पोजीशंस हैं, वो ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में थी। स्पेसिफिकली कहा जाए तो मुहाजिर्स और पंजाबी जो लोग थे। अब इस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए 1947 के बाद पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हुई उसे समझते हैं। पाकिस्तान की शुरुआत हुई एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक जैसे इंडिया की हुई थी। लेकिन फर्क ये था, पाकिस्तान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। पावर एक इंसान के हाथ में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थी, जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सही तरीके से स्ट्रॉन्गली एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। साल 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाए थे अनडिवाइडेड इंडिया में। इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखकर बाद में जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ तो लेजिस्लेचर्स को भी इसी तरीके से डिवाइड किया गया। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने, जिनका देहांत आजादी के सिर्फ एक साल बाद हो जाता है 1948 में। उनके गुजर जाने के बाद नजीमुद्दीन गवर्नर जनरल बनते हैं और लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। करीब 3 साल बाद अक्टूबर 1951 में लियाकत का असैसिनेशन कर दिया जाता है और नजीमुद्दीन नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। वो गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बनाते हैं जो कि एक पंजाबी थे। साल 1953 में पहला मिलिट्री कू देखने को मिलता है पाकिस्तान में, जब गुलाम मोहम्मद पावर टेक ओवर कर लेते हैं और नजीमुद्दीन को डिसमिस कर देते हैं। अगले साल 1954 में इलेक्शंस होती हैं पाकिस्तान में और इन इलेक्शंस में ज्यादातर सीटें जीती जाती हैं यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा, जो कि ऑपोजिशन पार्टीज की एक कोलेशन थी। इनमें से एक सबसे बड़ी पार्टी थी अवामी लीग, जो कि एक ईस्ट बंगाल की पार्टी थी। इन इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस कर दिया जाता है गुलाम मोहम्मद के द्वारा। साल 1955 में गुलाम मोहम्मद ऑफिस छोड़ते हैं और मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा गवर्नर जनरल बनते हैं। इनके अंडर पहली बार होता है कि ईस्ट बंगाल की रीनेमिंग करी जाती है। ईस्ट बंगाल को अब से ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाने लगता है। अब 1947 से लेकर 1971 के बीच में दोस्तों पाकिस्तान में कई फेजेस देखने को मिलते हैं जहां पर मिलिट्री का रूल चल रहा था। इसका मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज डिजर्व करती थी पावर में होना, उनसे पावर छीनी जा रही थी। स्पेसिफिकली कहा जाए ईस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट होने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा ज्यादातर पैसा जो देश खर्च करता था वो वेस्ट पाकिस्तान के पास जाता था। 75% नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान पर स्पेंड किया जाता था, इवन दो 62% जो रेवेन्यू इनकम आ रहा था सरकार के पास वो ईस्ट पाकिस्तान से आने लग रहा था। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल रही थी वो वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिल रही थी। 1969-70 में जो पर कैपिटा इनकम था वेस्ट पाकिस्तान का 61% ज्यादा था ईस्ट पाकिस्तान से। 25 गुना ज्यादा मिलिट्री पर्सनल थे वेस्ट पाकिस्तान में। और इस सब के अलावा सबसे बड़ा इशू यहां पर था लैंग्वेज को लेकर। जिन्ना और उनके कई एडवाइजर्स मानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का सही मायनों में यूनिफिकेशन तभी हो सकता है जब वो एक भाषा बोले, और ये भाषा उनकी राय में होनी चाहिए उर्दू। तो वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स के द्वारा यहाँ पर उर्दू इम्पोजिशन देखने को मिला कि भाई जबरदस्ती है, हर किसी को उर्दू में ही बात करनी पड़ेगी। ऑफिशियल कामों के लिए आर्मी में हम हर जगह उर्दू में ही बात करेंगे सिर्फ। लेकिन ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे वो ईस्ट बंगाली थे, बंगाली भाषा बोलते थे। इनफैक्ट 56% पाकिस्तानी बंगाली में ही बात करते थे। उर्दू को एक लैंग्वेज ऑफ द एलीट माना जाता था। जो हाई प्रोफाइल लोग
लोग हैं सिर्फ वही उर्दू में बात करते हैं। आम जनता बंगाल में रह रही बंगाली में बात करती थी। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में एक स्पीच दी थी और बड़े क्लियरली कहा था पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होगी और कोई और भाषा नहीं होगी। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, लीव नो डाउट दैट स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू बी उर्दू एंड नो अदर लैंग्वेज। ये सब सुनकर बंगाल में रहने वाले लोग बड़े आउटरेज्ड हो गए। इवेंचुअली इस उर्दू इम्पोजिशन की वजह से शुरुआत हुई बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की। 21 फरवरी 1952 एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था इस लैंग्वेज मूवमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोविंशियल असेंबली के सामने। पाकिस्तान की आर्मी ने इन पर ओपन फायर कर दिया, 5 लोग मारे गए और आज के दिन तक 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज द लैंग्वेज मार्टियर्स डे बांग्लादेश में। सन 1999 में बाद में जाकर यूनेस्को ने कहा था कि 21 फरवरी अब से इंटरनेशनल मदर टंग डे भी मनाया जाएगा। इसके रिस्पांस में 2 साल बाद जाकर 1954 में बंगाली को फाइनली कहा गया कि एक ऑफिशियल स्टेटस दे देते हैं। 1956 में बंगाली को एक स्टेट लैंग्वेज भी बना दिया गया, लेकिन लोगों के अंदर जो फीलिंग थी बंगाली कल्चर और लैंग्वेज को लेकर वो और मजबूत बन चुकी थी। ऐसे इंसिडेंट्स ने एक बड़ा इम्पैक्ट डाला आने वाले सालों में। साल 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है और इस वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान एक कमजोर डिफेंस के साथ रह जाता है। जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्बैलेंस था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में वो इस वॉर के बाद और उभर के आने लगता है। इसी रीजन से एक 6-point डिमांड उठाई जाती है ईस्ट पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। ये डिमांड उठाते हैं शेख मुजीबुर रहमान जो कि अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के एक फाउंडिंग लीडर थे। इस डिमांड के 6 points देश हिला देने वाले होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ही इसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए और जो ईस्ट पाकिस्तान का रीजन है उसे और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। जो रिसोर्सेज हैं ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो ईस्ट पाकिस्तान की सरकार को दिए जाए। 2 separate करेंसीज हों पाकिस्तान में, एक वेस्ट पाकिस्तान के लिए एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए। ईस्ट पाकिस्तान के अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन रिजर्व्स हों, इनफैक्ट एक सेपरेट मिलिट्री फोर्स भी हो। मतलब ये मांगे कुछ ऐसी हैं कि मानो कि ईस्ट पाकिस्तान को एक अपना अलग ही देश सा बना दिया जाए। ये सुनकर ऑब्वियसली वेस्ट पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सारी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इनफैक्ट वेस्ट पाकिस्तान की सरकार कहती है कि इस तरीके की डिमांड्स उठाना एक सेपरेटिस्ट मांग है, देश के खिलाफ जाना हुआ, ये देश को बांटने की बात करने जैसा हुआ। इसी के चलते 19 जून 1968 को उस वक्त पाकिस्तान में अयूब खान की सरकार थी वो शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। साथ में 34 और बंगाली सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पिरेसी रचने के लिए। इन पर सेडिशन का केस लगाया जाता है। इस केस को पॉपुलरली बुलाया जाता है अगरतला कंस्पिरेसी केस। जनरल अयूब खान का कहना था कि शेख मुजीब और उनके साथी इंडियन गवर्नमेंट के साथ अगरतला में कोलैबोरेट कर रहे हैं जिससे कि वो एक आजाद बांग्लादेश बना पाए। अगरतला त्रिपुरा में है अगर आप भूल गए हो तो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक शेख मुजीबुर रहमान बड़े पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर बन चुके थे, बंगाली लोगों की आवाज थे वो। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोगों को जो भी अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी सहनी पड़ रही थी वो आवामी लीग और शेख मुजीबुर में ही अपनी उम्मीद ढूंढते थे। तो उनके अरेस्ट होने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए, भारी प्रोटेस्ट देखने को मिले। इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच एक शेख मुजीबुर के साथ ही सर्जेंट जहारुल्ला हक, जब ये जेल में बंद थे, इन्हें एक प्रिजन गार्ड के द्वारा मार दिया जाता है। ये सुनकर लोगों में और गुस्सा पनपता है। मानो लोग रेवोल्यूशन करने को तैयार हों। जनरल अयूब खान इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा कर देते हैं और जो अगरतला केस उन पर लगाया गया था उसे विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन इस पॉइंट तक डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट और लेबर स्ट्राइक्स इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अयूब खान को खुद रिजाइन करना पड़ता है 1969 में। यहाँ पर याद रखिए कि जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में सत्ता ली थी एक मिलिट्री कू के जरिए। बेसिकली पाकिस्तान में उन्होंने पिछले 10 सालों से मिलिट्री डिक्टेटरशिप सी बना रखी थी। खुद रिजाइन करने के बाद वो अपने सक्सेसर को अपॉइंट करते हैं जनरल याहिया खान, और जनरल याहिया खान प्रॉमिस करते हैं कि वो पाकिस्तान में पहली जनरल इलेक्शंस करवाएंगे, और वो इलेक्शंस करवाई जाती हैं साल 1970 में। ये 1970 की इलेक्शंस के रिजल्ट्स बहुत ही चौंका देने वाले होते हैं। ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग इन इलेक्शंस को जीत जाती है। 313 में से 167 सीट्स इनके पास जाती हैं। लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि इनमें से एक भी सीट वेस्ट पाकिस्तान में ये नहीं जीतते।
पाकिस्तान का लेजिस्लेचर कुछ ऐसे था कि 313 में से 169 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान में थी और बाकी वाली वेस्ट पाकिस्तान में थी। तो आवामी लीग ने 313 में से 167 जीती, यानी ईस्ट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर सीट जीत ली, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती। वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी ने 88 सीट्स जीती और इस पीपीपी पार्टी ने ईस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती। ये शॉकिंग रिजल्ट्स दिखाते हैं कि जो दो हिस्से थे पाकिस्तान के, उनके बीच में दरार कितनी गहरी हो चुकी थी। अब ईस्ट पाकिस्तान में लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा थी तो सीटें भी ज्यादा थी, इसीलिए आवामी लीग को यहां पर विजेता माना जाता है। लेकिन एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में सरकार बनाएगी जिसने एक भी सीट वेस्ट पाकिस्तान में नहीं जीती, जो वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलिट्स हैं उनके इंटरेस्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं होता। इन इलेक्शन रिजल्ट्स को देखकर जो पीपीपी के लीडर थे उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो, वो आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल याहिया खान के साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे नेशनल असेंबली को कैंसिल कर देना चाहिए। लिटरली उनकी मर्जी के इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आए तो इन इलेक्शंस को के रिजल्ट्स को खारिज कर दो। और जनरल याहिया खान एग्जैक्टली यही करते हैं। 1 मार्च 1971 को कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट करी जाती है कि जो भी इलेक्शन रिजल्ट आए हैं वही खत्म समझो इन्हें। ये सुनकर ईस्ट पाकिस्तान में हल्ला मच जाता है। वहां के लोग कहते हैं कि ये क्या मजाक चलने लग रहा है, ये कोई डेमोक्रेसी हुई? हमने वोट दिया, हमारी मर्जी की पार्टी जीती और क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तुम इलेक्शंस को कैंसिल कर दोगे उठाकर। सड़कों पर फिर से भारी प्रोटेस्ट उतरते हैं और इस बारी आजादी के नारे लगाए जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारे लीडर्स को इलेक्ट करने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो बाहर निकलो साइड में, हमें आजादी दो, हम अपना अलग से देश बनाए। ये फाउंडेशन है दोस्तों बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर की। इस पॉइंट तक आते आते ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग इस्लाम को एज ए यूनिफाइंग फैक्टर नहीं देखते थे, बल्कि वो अपनी बंगाली एथनिसिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वो चाहते थे एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट बने जिसमें बंगाली एथनिसिटी यहाँ पर मेन चीज हो। यहीं से ही ये कंट्री का नाम आया है बांग्लादेश, बंगाली लोगों का देश। 7 मार्च 1971 कैंसिलेशन के ऑर्डर्स दिए जाने के बाद आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी जनता के सपोर्ट में उतरती है और कहती है कि यहाँ पर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करेंगे। वेस्ट पाकिस्तान में बैठी सरकार को कुछ भी कह लेने दो, हम उनकी सुनने ही नहीं वाले। शेख मुजीब यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच देते हैं रेस कोर्स के ग्राउंड पे, एक बड़ी ही ऐतिहासिक स्पीच। बांग्लार मानुष मुक्ति चाहे, बांग्लार मानुष बाँचते चाहे, बांग्लार मानुष तरह आश्रय अधिकार चाहे। नारे लगाए जाते हैं आर स्ट्रगल इज फॉर आर फ्रीडम, आर स्ट्रगल इज फॉर आर इंडिपेंडेंस, जॉय बांग्ला। एबारे संग्राम आमादेर मुक्ति संग्राम, अब इस पॉइंट पर दोस्तों जो ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोग थे और जो उर्दू स्पीकिंग बिहारी लोग थे जिनका मेंशन मैंने वीडियो के शुरू में किया था, इनके बीच में तनाव बढ़ने लगता है क्योंकि जो बिहार से उर्दू स्पीकिंग लोग आए थे उन्हें प्रो पाकिस्तान देखा जा रहा था, प्रो वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वो उर्दू में बात करते थे और जनरली वो वेस्ट पाकिस्तान के सपोर्ट में रहते थे। तो कई अटैक्स देखने को मिले प्रोटेस्ट के बीच में बिहारी कम्युनिटीज के अगेंस्ट, और मार्च 1971 में पाकिस्तान की आर्मी इसे एज एन एक्सक्यूज यूज करती है इंटरवीन करने के लिए। पाकिस्तानी आर्मी कुछ प्रो पाकिस्तान बंगालीज को अपने ऑपरेशंस के लिए रिक्रूट करती है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसा नहीं था कि हर कोई जो ईस्ट पाकिस्तान में था वो अपने लिए एक आजाद देश देखना चाहता था। स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी थी जमाते इस्लामी, उसके पॉलिटिकल लीडर्स और सपोर्टर्स एक्चुअली में वेस्ट पाकिस्तान की सरकार को सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया। 10th और 13th मार्च के बीच में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है और उन्हें अर्जेंटली कहा जाता है कि वो ढाका में फ्लाई करें। कुछ सरकारी पैसेंजर्स को ले जाकर फ्लाई किया जा रहा है वहां पर। कौन है ये लोग? ये हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स जिन्होंने सिविलियन ड्रेसेस पहन रखी हैं एक ऑपरेशन चलाने के लिए। मीनवाइल ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्टर्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है। जो बंगाली नेशनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी बना ली है जिसे मुक्ति बाहिनी कहा जा रहा है, मतलब द फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मुक्ति बाहिनी गोरिल्ला ऑपरेशंस कंडक्ट करती है वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जो ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन आता है क्योंकि इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी की फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है गोरिल्ला वॉरफेयर में। इसके रिस्पांस में वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान सेंट्रल पीस कमिटी बनाता है, शांति वाहिनी। बड़ा ही आयरोनिक नाम है क्योंकि शांति वाहिनी ढेर सारे वॉर क्राइम्स करती है। हजारों सिविलियंस को मारा जाता है, औरतों पर अत्याचार होते हैं और स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उन्हें टारगेट करके मारा जाता है।
टीचर्स, स्कॉलर्स और सोशल एक्टिविस्ट। इन्हें बुद्धिजीवी बुलाया जाता था। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरीके से सत्यानाश हो चुका होता है ईस्ट पाकिस्तान में। बंगालीज ने सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी बंद कर दी हैं जो भी पाकिस्तान से आ रही हैं। 25 मार्च 1971 वेस्ट पाकिस्तान की सरकार एक भयानक जेनोसाइड प्लान करती है, ऑपरेशन सर्च लाइट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी पॉपुलर लोग बांग्लादेश की आजादी की मांग कर रहे हैं उन्हें पकड़ पकड़ के मार डालो। 25 मार्च की रात को हजारों पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स ढाका में मार्च करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है और वेस्ट पाकिस्तान ले जाया जाता है। लेकिन इस अरेस्ट से पहले शेख मुजीबुर ने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था, अब से हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अब से हम बांग्लादेश है। इस डिक्लेरेशन को एक ट्रांसमीटर के द्वारा किया गया था। ट्रांसमिशन को होने में कुछ घंटे का समय लगा था, तो मिडनाइट क्रॉस हो चुकी थी। इसी रीजन से दोस्तों आज के दिन 26 मार्च को बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 27 मार्च 1971 मेजर जियाउर रहमान इस डिक्लेरेशन को पब्लिक के सामने पढ़ते हैं और अनाउंस करते हैं कि बांग्लादेश अब एक आजाद देश है। इसी रात ढाका यूनिवर्सिटी में 2 स्टूडेंट डॉर्मेटरीज पर हमला किया जाता है और एक ही रात के अंदर 7,000 स्टूडेंट्स मारे जाते हैं पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। इस ऑपरेशन सर्चलाइट में 30,000 से ज्यादा बंगालियों का मैसेकर किया जाता है एक हफ्ते के अंदर। आधे लोग जो ढाका शहर में रह रहे थे वो शहर छोड़कर भाग जाते हैं। सारे फॉरेन जर्नलिस्ट को डिपोर्ट कर दिया जाता है और रेडियो ऑपरेशंस को भी शट डाउन कर दिया जाता है। एक मिलिट्री अपॉइंटेड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंथनी मास्कारेनहास यूनाइटेड किंगडम भाग जाते हैं और 13 जून 1971 को जो उन्होंने देखा था उसे एक आर्टिकल में पब्लिश करते हैं द संडे टाइम्स में। इस आर्टिकल के जरिए पहली बार बाकी दुनिया को पता चलता है कि यहाँ बांग्लादेश में एक्चुअली में होने क्या लग रहा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद इस आर्टिकल को पढ़ती हैं और इससे मोटिवेट होती हैं कुछ एक्शन लेने को। इस क्रैकडाउन के बाद अवामी लीग के कई पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया भाग गए थे सेफ्टी के लिए। 10th अप्रैल को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट फॉर्म होती है एग्जाइल में कोलकाता में। शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है और तजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है इंडिया पर। 1971 की जो ऑटम थी उस एक सीजन में 10 मिलियन से ज्यादा रेफ्यूजीज बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया भागते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहां पर सोचती हैं मिलिट्री का इस्तेमाल करके इस वॉर में हिस्सा लेकर इन लोगों को बचाना ज्यादा इकोनॉमिकली फीजिबल होगा एज कम्पेयर टू इन 10 मिलियन रेफ्यूजीज की हम सहायता करने की कोशिश करें, हमारे पास इतने पैसा नहीं होंगे। 28 अप्रैल 1971 इंदिरा गांधी जनरल सैम मानेकशॉ को कहती हैं कि वो जंग की तैयारियां करें, ईस्ट पाकिस्तान में एंट्री करने के लिए रेडी हो। जनरल सैम मानेकशॉ इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे इनिशियली कि इतने कम टाइम में इंडिया प्रिपेयर्ड हो सकता है और इस जंग को जीत सकता है, तो वो शुरू में रिजेक्ट कर देते हैं और ऑफर करते हैं रिजाइन करने को। लेकिन इंदिरा गांधी अपना कॉन्फिडेंस उन पर बनाए रखती हैं और उन्हें पूरी आजादी देती हैं कि जब उन्हें ठीक लगे तभी ऑपरेशन किया जाए। उनके काम की शुरुआत होती है मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से। जुलाई 1971 तक आते आते इंदिरा गांधी ने एक्चुअली में ईस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान बुलाना बंद कर दिया है, अब वो इसे बांग्लादेश करके पुकारती है। वैसे सैम मानेकशॉ के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, कुकू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बहुत ही डिटेल में जाती है। कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी। आमतौर पर इसकी कॉस्ट होती है 399 रुपीज, लेकिन अगर आप कूपन कोड ध्रुव50 इस्तेमाल करेंगे आपको साल भर की कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 199 रुपीज ओनली। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्टली। ये सिर्फ 3rd दिसंबर 1971 को जाकर ही होता है कि पाकिस्तान ऑपरेशन चेंगिस खान लॉन्च करता है और इंडिया के एयरफील्ड्स पर हमला बोल देता है। पाकिस्तान को डर था कि इंडिया किसी भी वक्त मिलिट्री का इस्तेमाल करके इस वॉर में इंटरवीन कर सकता है और बांग्लादेश को आजाद करने में मदद कर सकता है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम ही पहले उन पर हमला कर दें। लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी और मिलिट्री पावर थी वो कहीं ज्यादा बेहतर होती है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। इंडिया का रिस्पांस था कि वेस्ट पाकिस्तान में एक डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्रेटेजी चले और ईस्ट पाकिस्तान में एक कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव थ्रस्ट हो, यानी सोल्जर्स को ग्राउंड पर भेजा जाए। इंडिया की वॉर में एंट्री करते ही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को अपील करता है कि इंडिया को सीज फायर करने के लिए फोर्स किया जाए।
यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल 4 दिसंबर को असेंबल करता है। बड़ी लंबी चर्चा चलती है। उस वक्त यूएसए पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा था और सोवियत यूनियन इंडिया के फेवर में ज्यादा था। तो यूएस, चाइना और यूके एक्चुअली में सपोर्ट करते हैं कि इंडिया इमीडिएटली सीज फायर कर दे और अपने ट्रूप्स को विदड्रॉ कर ले। लेकिन सोवियत यूनियन इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है 2 बार। और बंगालीज के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही थी उन्हें ध्यान में रखकर बाद में जाकर यूके और फ्रांस भी वोट करने से एब्सटेन कर देते हैं। 6 दिसंबर 1971 भूटान पहला देश बनता है बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकग्नाइज करने वाला। इसी दिन इंडिया भी बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकग्नाइज कर लेता है। 12 दिसंबर तक आते आते इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी हार को अपने सामने देख रहा है। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो जल्दी से न्यूयॉर्क जाते हैं अमेरिका के साथ डिस्कस करने के लिए किस तरीके से यहां पर एक सीज फायर का केस बनाया जा सके। 4 दिन लगते हैं इस प्रपोजल को फाइनलाइज करने में, लेकिन तब तक ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी होती है। ये वॉर खत्म हो जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रस्ट्रेशन में आकर यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच रोक कर काउंसिल छोड़कर चले जाते हैं। ये वीडियो उनका आप यहां पर देख सकते हैं। Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. 16 दिसंबर 1971 इंडियन आर्मी ने ढाका शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। 30 मिनट दिए जाते हैं सरेंडर करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री को। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी बिना किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर कर देते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में बैठी सरकार इमीडिएटली कोलैप्स कर जाती है। इसी दिन 16 दिसंबर 1971 हिस्टोरिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया जाता है। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर करते हैं इंडियन फोर्सेस और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस के सामने। ये दुनिया का लार्जेस्ट सरेंडर था वर्ल्ड वॉर टू के बाद से। अगले साल 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट साइन करी जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन पाकिस्तान बड़ी ही इंफॉर्मेटिव इससे मैंने सिलेक्ट किए ना रुखसार भाई, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें कहीं से नहीं मिल सकती जो दरोड़ाठी साहब हमें दे सकते थे 1971 की वार के रिलेटेड। तो बहुत इंफॉर्मेशन हमसे मिली इस वीडियो में और हकीकत भी यही हुआ है जो दौराराठी साहब ने इस वीडियो में पेश किया। 93,000 सोल्जर जो सरेंडर हुए, सबसे मेन मुद्दा ये है इस पूरी वीडियो में। चले नाइंसाफी, मैंने जो वीडियो देखी बल्कि मैंने जो स्टडी किया इसमें कोई शक नहीं है। ईस्ट पाकिस्तान के साथ जब से पाकिस्तान बना था तब से नाइंसाफी चलती आ रही थी, तब से। क्योंकि जितनी जब शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान विजिट किया था तो वो आ रहे थे ना, मतलब जब रोड बाई रोड आ रहे थे तो उन्होंने गाड़ी रोक कर कहा था कि सूंघा था सड़क को। अच्छा। और सूंघा कहा था कि इस सड़क से मुझे ईस्ट पाकिस्तान की पटसन की खुशबू आ रही है। मतलब कहने का क्या था उनका कि जो पैसा उधर से आ रहा है वो इधर लगाया जा रहा है बजाय ईस्ट पाकिस्तान में लगाने की बजाय। ये उनका बड़ा बहुत डायलॉग मशहूर हुआ था कि मुझे इस पाकिस्तान लाहौर की सड़क थी या कौन सी थी सड़क है कि इस सड़क से मुझे उस अपने एरिया यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की पटसन की खुशबू आ रही है। मतलब उधर का सरमाया, उधर का ज़रा मुआदला लगाया जा रहा है वेस्ट पाकिस्तान पर। असल में ये अलग होना ही होना था पहली बात। मैं तो ये बात होनी इसमें तो उसका जो ईस्ट है जो बांग्लादेश इस वक्त का है उसका और पाकिस्तान का जो है ना वो धर्म तो एक हो सकता है तो बहुत डिफरेंट था इसलिए वो अलग हर लिहाज से जो ज्यादती भी जो हमने की है जो भुट्टो साहब ने और यजा खान ने ज्यादती एक तरह की बनती भी एक नहीं बनती। देखे अब वेस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान कोई सीट नहीं निकाल सका और ईस्ट पाकिस्तान में कोई अपना निकाल नहीं सका, भुट्टो को नहीं निकाल सका। अब इसमें बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, ये एक मोड़ आनी था ना, क्रिटिकल सिचुएशन आनी थी कि इधर पाकिस्तान थे वो कोई भी सीट नहीं जीत सकते तो उधर भुट्टो साहब भी एक उसी दिन से इस दो मुल्क बन गए। जब इससे पाकिस्तान आजाद हुआ बंगाल और पंजाब वगैरह के जो पंजाब लोचड़ा दमे ये उसी दिन से दो मुल्क ही थे असल में। लेकिन 1971 तक आते 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 उनको एक अलग डिक्लेरेशन मिलने के लिए इतने साल लग गए, हकीकत में वो दो मुल्क ही थे इसमें कोई शक नहीं है। हमारा और उनका लैंग्वेज का भी हर लिहाज से डिफरेंस था। सिर्फ एक चीज कॉमन थी वो था मजहब, बस।
और कोई चीजें उनसे हमारी कामन नहीं थी या इंसानियत थी, वो भी इंसान थे हम भी इंसान थे, या मजहब कामन था, जिसकी वजह से ये बंगाल की पार्टीशन हुई थी। ये बंगाल की पार्टीशन इससे पहले भी हुई है, इससे पहले 1909 मेरे ख्याल में, हाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल उस वक्त भी हुई थी, जिसको उधर उस वक्त भी हुई थी पार्टीशन, एक ईस्ट बंगाल बना था, एक वेस्ट बंगाल, ये बहुत शुरू से बहुत बड़ा जो सूबा था या एरिया था, जो बंगाल है वो इंडिया का बंगाल का ना, वो इधर बांग्लादेश का, ये शुरू से जो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल का चलता आ रहा, शायद आपने गौर किया गुरु राठ ने भी बताया 1909 में मेरा ख्याल इनकी हुई थी पार्टीशन हुई थी, फिर 1911 में ये मनसूख हो गई थी पार्टीशन दोबारा, फिर तो 1905 में हुई थी, सॉरी 1905 में या 1906 में हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, पहले भी हुई थी ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, ये शुरू से बहुत बड़ी टेरिटरी थी ये बंगालियों की, लेकिन इनको संभालना कंट्रोल करना मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए पार्टीशन उस वक्त हुई थी। तो ये असल में जो पूरी हिस्ट्री पता चली है, पहली बात तो ये पाकिस्तान की नाइंसाफी भी थी शुरू से, जिस वजह से उनके दरमियान नफरत है बढ़ती बढ़ती बढ़ती, आप यही सूरतेहाल चल रही है बलोचिस्तान और सिंध के लोगों के साथ, स्पेशली बलोचिस्तान के साथ, हकीकत बात है सिंध में तो सिंधी हुकूमत का बलोचिस्तान के साथ यही हालात चल रहे हैं, ये हालात इससे भी बुरे हैं बलोचिस्तान, सारा जो मिनरल्स उधर से आ रहे हैं, तुम्हारी गैस उधर से आ रही है, तुम्हारा ऑयल उधर से आ रहा है, तुम्हारे जितने जाते हैं यूरेनियम वगैरह जो है ज्यादातर आप उधर के जखायर, आपका नमक आप कितनी आप सोच नहीं सकते, सबसे ज्यादा जो जखायर है वो बलोचिस्तान के, और उधर कुछ लग नहीं रहा, लग कुछ नहीं रहा भाई, यही तो हमारी हुकूमतों को ये चाहिए कि उधर कुछ ना कुछ तो सी पैक के जरिए कुछ ग्वादर में डेवलपमेंट हुई है, तो वो भी अब बंद हो चुका है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान ने जो नया मैप जारी किया है ना, अफगानिस्तान ने बड़ा नया इंकशाफ किया, नया मैप जारी किया, वो सारा केपी के कुछ हिस्सा समझ लें कि गिलगित बल्तिस्तान का भी, और उसमें उन्होंने दिखा दिया इंडिया के कुछ हिस्सों को भी पाकिस्तान में दिखा दिया, इंडिया के हिस्सा भी उन्होंने दिखाया है वाकई, हाँ इंडिया के कौन से इलाका दिखाया, इंडिया के कुछ इलाके पंजाब के और ये इधर राजस्थान के इलाके दिखाए हैं पाकिस्तान में, अच्छा वो कोई होगा सर फिरा होगा जो जिसने ये नक्शा बनाया है, लेकिन मैं एक जरूर बात ये कहना चाहूंगा, ये वही सीन सिनेरियो चलता आ रहा है, आप देखें जो आजाद कश्मीर के वजीर आजम के साथ सलूक किया गया हमारे वजीर आजम की तरफ से, ये वही सलूक नहीं है, वही हालात है ना, मेरा दिल बहुत घबरा गया था कि जब ये हालात बने थे ना कि ये वो इंडिया की बात ठीक ना हो जाए कि वो चाहेंगे उधर भी आजादी की तारीख चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, वही छोटी छोटी बातों की बात है, वो जो शख्स है ना वजीर आजम आजाद कश्मीर का तनवीर इलियास, वो पीटीआई का नुमाइंदा है, वो पीटीआई जो कहेगी वो ही करेगा, ये भी जेन में याद रखना, जब शेख मुजीबुर थे उस वक्त जो भुट्टो की पार्टी से कोई ऐसा शख्स नहीं था, वो भुट्टो की पार्टी का शेख मुजीबुर नहीं था, वो एक अलग आई था, लेकिन ये पार्टी तनवीर इलियास जो वजीर आजम आजाद की पीटीआई का वो बातें छोड़े आप, ये तो ठीक है भाई, अवाम मेरी तो बात, ये अवाम आपकी बात सुन ले, ये अवाम के अंदर नहीं गुलजार नहीं हो सकता यार, जो इज्जत शहबाज शरीफ ने देनी है जो, अच्छा भाई गुलजार ये बात छोड़े, जो इज्जत बंदा क्या किसकी इज्जत देगा, अच्छा अब बात करते हैं 93,000 सोल्जर का बड़ी इंकशाफ हुआ, अब इसमें एक चीज बड़ी कॉमन नजर आती है, आप खुद ही अगर इसमें देखें, अगर आप इसमें खुद ही देखें 93,000 सोल्जर जिस तरह हमारे सरेंडर किए थे, इसमें एक चीज बड़ी क्रूशियल थी कि एक तो बैक साइड से इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया, सामने से मुक्ति बांधनी के सब जगह सोल्जर थे, आप ये मुक्ति बांधनी कौन है, आपने वीडियो नहीं देखेंगे, वही मुक्ति बानी है जो ट्रेनिंग देता रहा इंडिया देता रहा और फ्रीडम के लिए फ्रीडम फाइटर थे, बंगाली बांग्लादेश के थे, बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के थे फ्रीडम फाइटर थे वही, अच्छा एक इधर और बड़ा पॉइंट है, जब ईस्ट बंगाल ने वेस्ट बंगाल पर नहीं किया, हालांकि जीता तो ईस्ट बंगाल भी अपनी सारी सीटें लहरा जीत गया था, वेस्ट पाकिस्तान लहरा जीत गया था, ईस्ट पाकिस्तान होना तो यह चाहता तो ईस्ट पाकिस्तान भी हमला करता, लेकिन नहीं, इसके बरक्स हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान ने हमला किया ईस्ट पाकिस्तान पर, तो सपोर्ट थी इंदिरा गांधी यानी कि इंडियंस की, तो जो सरेंडर हुए थे वो मेरे ख्याल में सरेंडर करना बनता था, आप वो लड़ते किस तरह, नहीं वो लड़ते किस तरह, एक तो उनको सपोर्ट आनी थी, उनको चीजें पहुंचाने में बड़ी देर लग जानी थी, पहली बात तो यह है कि बहुत ज्यादा रास्ता दरमियान में इंडिया था, दरमियान में
इंडिया था और तुर्की उसके बाद सामने थे मुसलमान। अच्छा ये जो 93 जो सोल्जर हमारे थे कि ये बांग्लादेश की और इंडिया के साथ हमारी वॉर के साथ नहीं हुए। अच्छा हमारी डायरेक्ट लड़ने के लिए जा रहे थे। आप समझ आप वीडियो क्या देख रहे थे। बांग्लादेश में पहुंचे ना पाकिस्तानी 93,000 सोल्जर उसाम में थे मुक्ति पाले और साथ में इंदिरा गांधी के साथ इनका एग्रीमेंट हो चुका था। जब ये पहुंचे कि हम पर हमला हो रहा है आप हमारी मदद करेंगे तो इंदिरा गांधी ने बैक साइड से कवर कर लिया है इंडिया ने सामने समझते हुए। तो मेरे मुझे ये बताएं जो इंडियन ये फूले नहीं समाते कॉमन सेंस की बात है। डायरेक्ट इंडिया के साथ हमारी वॉर नहीं हुई थी। डायरेक्ट हमारी इंडिया के साथ वॉर नहीं हुई थी। आज क्लियर पता चला है कि वो हमारे सरेंडर दूर हुए सिलेंडर इंडिया में हुए हैं। इंडिया में नहीं हुए। अच्छा बांग्लादेश यार इंडिया में होते तो और बात है। बांग्लादेश में हुए थे। अच्छा अच्छा दूरी राठी सारी मैं ये मानता था कि पाकिस्तानी जो 93 इंडिया में है ये इंडिया पर हमला किया था उधर और नहीं है भाई इंडिया में हमला क्यों करना था। अच्छा बांग्लादेश में सिलेंडर हुए थे वीडियो में क्या देख रहे हैं। मैं पहले तो मैं इतना नॉलेज नहीं था भाई मैं तो यही मानता था कि जो इंडिया में हमला हुआ था उधर इंडिया में। अच्छा चलो एक तो बात मजे की होगी कि ध्रुव राठी साहब ने खुद ही सब कुछ क्लियर कर दिया कि इंडिया के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं थी। ये वेस्ट पाकिस्तान ने हमला किया था ईस्ट पाकिस्तान पर और उनको दोनों तरफ से ब्लॉक चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था क्योंकि उनको मजबूरन थे चले हो गया सरेंडर और इसमें कोई डाउट नहीं सरेंडर हुआ लेकिन इंडिया में सरेंडर नहीं हुआ। इंडिया के साथ वॉर नहीं हुई। हमारी वॉर थी पाकिस्तान की पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल पाकिस्तान की पाकिस्तान के साथ वॉर थी। इस पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान के साथ वॉर थी। उधर तो उसका भी कोई और वो तो खुदार मदद के लिए पीछे से गया थे ना बाउन की। अब वही सिनेरियो बन रहा है सेम सिनेरियो बन रहा है आजाद कश्मीर में। मैं देख रहा हूँ वही सिनेरियो बन रहा है बलोचिस्तान में। हकीकत बात है और ये बड़ा खतरनाक है। और भाई जो इंडियन लोग कहते हैं हमारे 93,000 सोल्जर हुआ सरेंडर हुआ ये हुआ है लेकिन इसमें लेकिन ये भी बात माने कि इंडिया में वो ना वॉर लड़ रहे थे इंडिया की वजह से हुए थे लेकिन इंडिया में नहीं हुए थे। इंडियन आर्मी की वजह से पीछे से ब्लॉक करने क्योंकि हमारे जारी बात है मदद तो पहुंच नहीं थी लेकिन बहुत बुरा हुआ था पाकिस्तान को। पहले जब डिक्लेरेशन हो गई थी कि वो लाया था मुल्क है तो फिर आर्मी चढ़ाने की जरूरत क्या। फिर समझ लें वही बात हो कि पंजाबी में जो खान दिया कहा जाता है हमारी पंजाबी एक कहावत है कि 100 छितर भी खाना और 100 गंडा भी खाना। ये वही बात हुई पाकिस्तान नहीं हाकी नहीं बनता था उस वक्त जब वो अलहदा हो गए थे रुखसार भाई तो वो उनको आर्मी को भेजने की जरूरत जीत गए थे टोटल सीट्स वो जीत गए थे मसला खत्म हो गया था। ये तो ये ज्यादती हमारी तरफ से की गई थी उनके ऊपर अपने के ऊपर ही। तो इंडिया ने पीछे से मदद की और बीच में फंस गई हमारी आर्मी तो इस तरह तो करना पड़ा। तो चलिए जी उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में स्नाटा के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।